शहर के सुयश कॉन्वेंट और जूनियर कॉलेज की ओर से वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसी श्रृंखला में 24 और 25 जनवरी को सुरेश भट्ट सभागृह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुयश कॉन्वेंट एंड जूनियर कॉलेज की ओर से स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में स्कूल की ओर से शहर के सुरेश भट्ट सभागृह में 24 और 25 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल संचालक संजय महाकारकर, प्रिया महाकारकर, चिमोटे सर और स्कूल की प्रिंसिपल माथी साकरी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूल के बच्चों ने सरस्वती को वंदन करते हुए उपस्थित मान्यवरों का संगीतमय स्वागत किया। इसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कला साधर की। दूसरे दिन के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में स्कूल संचालक संजय महाकारकर उपस्थित थे। इस दिन भी मान्यवरों का संगीतमय स्वागत किया गया। इसके प्रिंसिपल माधवी साकरी इन्होंने स्कूल की प्रगति पर प्रकाश डाला। How swiftly and unnoticed time has flies. One more year has been added to the glorious age of Suyash Convent family, established in the year 2002. Now with the grace of God, we are here. We are having Nursery St. Thomas, a new branch at Hulkeshwar as Suyash Kindergarten and Suyash Public School, which has started recently with first standard. Talking regarding academics. Academic is the soul of a school. We have reason to be happy on the whole. Zindagi jeena aasaan nahi hota. Zindagi jeena aasaan nahi hota. Bina sangharsh ke koi mahaan nahi hota. Jab tak na pade hathodi ki chot, patthar bhi bhagwan nahi hota. With 97.20%, Samir Giripunje second with 96%, Nandini Dore third with 95.80%. Not only SSC, but HSC and HSC Junior College also, Science Stream, Peace Corps 100% success. Aditya Karmore 73.07%, Bakar Tazi with 70.61%, Priya Tizare with 65.85%. Academic and their projects, it gives us immense satisfaction being very active in the field of co-curricular activities. Friday is the day of our student. कार्यक्रम में बच्चों ने भोपाली सादर की। इसके साथ ही बच्चों ने कविता भी प्रस्तुत की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। तूर्तास कृष्ण भक्ती त्याच्या आयुष्याचे पाया असल्याने त्याच्या मुख्य शक्यतो कृष्ण लीलेला वर्णन करणारी गाणी असतात।